हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल काफी नॉलेजबल होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप अपना पीएफ अकाउंट डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आप खुद से ही ऑनलाइन तरीका से आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना कुछ समझाना चाहता हूँ, जैसे कि डेट ऑफ एग्जिस्ट कौन मेंशन कर सकता है, कब कर सकता है, या तो फिर यहाँ पे इसका क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, वो सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, उस कंपनी में आपने 5 साल, 1 महीना, 2 महीना, 10 साल या तो फिर 20 साल काम किया, काम करने के बाद जब उस कंपनी को छोड़ देते हैं, तो कंपनी छोड़ देने के बाद आपको अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना होता है, ठीक है। और जो डेट ऑफ एग्जिस्ट होता है वो आपका कंपनी भी कर सकता है या तो फिर आप खुद से ऑनलाइन तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी अगर आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करता है तो उसके लिए कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है, वो कभी भी कर सकता है। जैसे कि आप कंपनी छोड़ दिए, कंपनी छोड़ देने के बाद तुरंत कर सकता है, ठीक है, आपका कंपनी। लेकिन दोस्तों, अगर आप खुद से ऑनलाइन तरीका से अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 2 मंथ 60 डे रुकना होगा, ठीक है, वेट करना होगा, उसके बाद ही खुद से ऑनलाइन तरीका से डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब रहता है इसका क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा, वो सबसे पहले बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी छोड़ करके एक नया कंपनी में जाकर ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो आपका पुराना कंपनी होता है उसमें सबका पीएफ का पैसा होता है, इंटरेस्ट का पैसा होता है, पेंशन का पैसा होता है, ठीक है। अगर आप उसे विड्रॉ नहीं किए हैं, उसे आप क्या करना चाहते हैं, नए कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन रहेगा, तभी दोस्तों पुराने कंपनी का पैसा नए कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फायदा की मैं बात करता हूँ। दोस्तों, अगर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा, इंटरेस्ट का पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर अगर आप अपना पेंशन का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, उसके लिए भी दोस्तों आपको पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि डेट ऑफ एग्जिस्ट क्यों मेंशन करना चाहिए, इसका क्या फायदा होता है, या तो फिर कब करना चाहिए, या तो फिर कौन कौन करेगा, ठीक है, क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे खुद से ही किस प्रकार से ऑनलाइन तरीका से आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करेंगे, वो प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च में आपको टाइप करना है ईपीएफओ, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे ईपीएफओ टाइप करके सर्च कीजिएगा, सर्च कर देने के बाद नीचे यहाँ पे पहला विषय के पास नजर आ जाता है www.epfindia.gov.in। तो दोस्तों, आपको पहला विषय पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों पहला विषय पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं, काफी सारा यहाँ पे सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों यहीं पे देख सकते हैं नजर आता होगा, जैसे कि मैं पहला कर रहा हूँ, यहाँ पर नजर आता होगा ऑनलाइन क्लाइम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लाइम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाता है, जिसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे सो लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज पर डायरेक्ट ड्रैग कर देगा, काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि दोस्तों जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है, पहला कॉलम आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा, दूसरा कॉलम में फिलअप कर देना है। उसके बाद स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड नजर आता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है। पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर नजर आता है साइन इन, तो दोस्तों आपको साइन पे क्लिक कर देना है। साइन पे क्लिक कर देने बाद फाइनली आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आ जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करेंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करने के लिए दोस्तों यहाँ ऊपर में देख सकते हैं, काफी सारा यहाँ पे मेन्यू बना हुआ नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं नजर आता होगा मैनेज, तो दोस्तों आपको मैनेज पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों मैनेज पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन खुलकर आ जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर नजर आता होगा मार्क एग्जिस्ट, तो दोस्तों आपको मार्क एग्जिस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मेंबर आईडी सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए सो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ नजर आता होगा सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट का एक ऑप्शन नजर आता होगा, तो दोस्तों आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जो भी आपका कंपनी का नाम होता है, जो भी आपका मेंबर आईडी होता है, वो यहाँ पर नजर आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सो आपको मेंबर आईडी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करते हैं, इसमें कोई भी गलती कर देते हैं तो दोस्तों आगे चलकर आपको काफी सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों केवल दो ही डिटेल आपको मेनली फिलअप करना होता है। पहला तो आपको यहाँ पे डेट सही से आपको सेलेक्ट करना होगा,
दोस्तों यहाँ पे एग्जिट रीजन भी आपको सही से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। दोनों में से अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं तो दोस्तों आगे चल के आपको काफी सारा परेशानी का सामना करना होगा, ठीक है। तो परेशानी का सामना ना करना पड़े इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए वीडियो को, मैं आपको बारीकी से सिखाने वाला भी हूँ और बताने वाला हूँ भी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे देखिए नजर आता हूँ सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों डेट सेलेक्ट करने का मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा, ठीक है। तीनों तरीका मैं आपको सटीक से सबसे इजी तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला तरीका दोस्तों यहाँ पे देखिए नजर आता होगा इम्प्लॉयमेंट लास्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा है इम्प्लॉयमेंट लास्ट कंट्रीब्यूशन करने का मतलब होता है जो आपका कंपनी जो आपका ठेकेदार है वो आपके पीएफ के पासबुक में लास्ट में पैसा कब जमा किया, ठीक है। लास्ट में पैसा कब जमा किया है उसी के हिसाब से आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्लॉयमेंट लास्ट कंट्रीब्यूशन नजर आता होगा सितंबर 2021 नजर आता हो, ये पहला तरीका, यहाँ से आप अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 2021 नजर आ रहा है, तो पहला तरीका से जो भी यहाँ पे सितंबर मंथ नजर आ रहा है मेरे केस में, जो भी यहाँ पे मंथ नजर आता होगा उसी मंथ का कोई भी डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका में यहाँ पे देखा जाता है सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते ऊपर में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं पढ़कर मैं बता देता हूँ। यू कैन सिलेक्ट एनी डेट ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी आपका कंपनी जो भी आपका एम्प्लॉयर है लास्ट में पैसा आपके पीए के पास में कब जमा किया है उसी मंथ का कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर मैं आपको दिखाया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ कौन सा है, सितंबर। तो सितंबर जो मंथ होता है उसमें कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दूसरा तरीका में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर भी किस मंथ का ओपन हुआ है, सितंबर का ही ओपन हुआ, तो सितंबर में दोस्तों कोई भी डेट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। समझ गए, मैं दो तरीका यहाँ पे समझ आया। तीसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको दोस्तों, एक बार अपने पासबुक में भी लॉगिन हो जाना है, वहां से भी आपको दिखा देता हूँ क्या वहाँ पे लास्ट कंट्रीब्यूशन सितंबर मंथ है या नहीं, वहां से भी आपको कंफर्म होना होगा। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑलरेडी यहाँ पे पासबुक ओपन करके रख लिया हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पासबुक यहाँ पे ओपन है, ठीक है, नजर आता होगा। चलिए यहाँ से भी दोस्तों लास्ट कंट्रीब्यूशन आपको चेकआउट कर लेना है, क्या यहाँ पे आपका सितंबर मंथ में लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा किया गया पैसा वो है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नजर आता होगा सितंबर 2021 नजर आता होगा, कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ यहाँ पे देख सकते हैं 10/20/2021 नजर आता होगा, मतलब सितंबर महीना का पैसा जो जमा हुआ है वो देख सकते हैं 22/10/2021 में जमा किया है कंपनी ने, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जमा किस मंथ का हुआ है, सितंबर 2021 का ही जमा हुआ है, कब जमा हुआ है वो यहाँ पे नजर आ जाता है 22/10/2021, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट कंट्रीब्यूशन नजर आता होगा, मंथली कंट्रीब्यूशन इम्प्लॉय शेयर और यहाँ पे इम्प्लॉयर शेयर, इम्प्लॉयर देख सकते हैं यहाँ पे ₹14 जमा किया, ठीक है। जबकि इधर देख सकते हैं इम्प्लॉय शेयर जो मेरा सैलरी से जमा होता है वो देख सकते हैं यहाँ पे ₹46 नजर आता होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में जो पैसा जमा हुआ है वो सितंबर मंथ का ही जमा हुआ है और कब जमा हुआ है 22/10/2021, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल सितंबर मंथ ये वाला मंथ देखना है, ठीक है, आपको इस मंथ से आपको जरूरत है, ठीक है, इधर वाला डेट से आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं इधर जीरो जीरो नजर आता होगा, ठीक है, देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये दोस्तों इंटरेस्ट का है, देख सकते हैं यहाँ पे ₹2 जो जमा हुआ है वो इंटरेस्ट से देख सकते हैं INT अपडेट अप टू, ये इंटरेस्ट मिला हुआ है वो है, ठीक है। तो सिंपल से आपको लास्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ से देख सकते हैं, ये तीसरा तरीका हुआ। मैंने आपको तीन तरीका बताया, तीनों तरीका से आपको 100% कंफर्म हो जाना है, ठीक है, और तीनों तरीका से आपका जो डेट होगा वो सेम ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर यहाँ पे नजर आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ भी है सितंबर ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर भी जो ओपन हुआ है वो सितंबर मंथ का ही हुआ है, ठीक है। अब सितंबर मंथ में कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन एक डॉट और भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपको पता है कि मैं 10 तारीख को कंपनी छोड़ा हूँ या तो फिर 15 तारीख को कंपनी छोड़ा हूँ या तो फिर 20 तारीख को मैं कंपनी छोड़ा हूँ, सितंबर मंथ में मैं 23 तारीख को छोड़ा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप एक फिक्स डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद है आप कंफर्म है तब, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो सितंबर मंथ का कोई भी लास्ट डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं 30 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको कंफर्म डेट याद होगा तो कंफर्म डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्म डेट याद नहीं है तो इस कंडीशन में कोई भी लास्ट डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि 26/27/28/29/30, ठीक है, इतना में कोई भी डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे रिसेलेक्ट पे आ जाइए, रिसेलेक्ट पे आ जाने के बाद दोबारा से वही मंथ का कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से जो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वही डेट दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, दोनों जगह डेट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सो यहाँ पे मैं 30 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका सो मैंने आपको तीन तरीका बताया हूँ जहां से आप इजी वे पता कर सकते हैं कि आपका एक्चुअल में डेट क्या होगा एग्जिस्ट का, ठीक है, समझ आ गया। किसी प्रकार डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, गलती अपडेट नहीं कीजिएगा, या तो फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं,
वहां पर मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ये रहा तो आपका एग्जिट डेट सेलेक्ट करने का। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जिट रीजन भी सिलेक्ट करना होता है, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ नजर आता होगा सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट। ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है, तो सिंपल आपको सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा एग्जिट रीजन यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब दोस्तों एग्जिट रीजन के बारे में भी ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सिलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत का सामना या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला दोस्तों जो एग्जिट रीजन आता है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कब सिलेक्ट किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो उस कंपनी दोस्तों एक फिक्स टाइम होता है, जैसे कि उस कंपनी में 20 साल तक काम कर सकते हैं, 50 साल तक काम कर सकते हैं या तो फिर 60 साल तक काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी किसी कंपनी में एक फिक्स टाइम तक काम किए हैं उसके बाद उस कंपनी छोड़ दिए हैं, तब दोस्तों यहाँ पे आपको रिटायरमेंट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे नजर आता है सुपरनेशन, सुपरनेशन कब सेलेक्ट किया जाता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, उस कंपनी से आपको काम करते हुए जो आपका उम्र है, मैं यहाँ पे उम्र एज की बात कर रहा हूँ, अगर आपका उम्र 58 वर्ष हो जाता है, ठीक है, 58 वर्ष हो गया या तो फिर उससे ज्यादा हो गया, 58, 59 या तो 60 हो गया, उसके बाद उस कंपनी को छोड़ रहे हैं, तब दोस्तों यहाँ पे आपको सुपरनेशन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, पहला दोस्तों यहाँ पे जो था कंपनी में काम करते हुए जो वहां पे कंपनी द्वारा एक फिक्स टाइम रखा गया होगा, जैसे 20 साल 30 साल तक काम करने के बाद उस कंपनी को आप छोड़ सकते हैं, तब आपको रिटायरमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आपका उम्र 58 वर्ष हो गया या तो उससे ज्यादा हो गया तब कंपनी छोड़ रहे हैं, तब दोस्तों आपको सुपरनेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे सुपरनेशन में यहाँ पे उम्र एज के बात किया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो आता है परमानेंट डिसअमेंट, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, उस कंपनी में काम करते हुए किसी भी कारणवश, ऐसा ना हो भगवान ऐसा ना करे, लेकिन किसी भी कारणवश दुर्घटना हो जाता है, तो उस दुर्घटना में आपका शरीर का कोई भी अंग जैसे हाथ पैर आंख अपंग हो जाता है, पूर्णतः कभी ठीक नहीं हो सकता है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कंपनी छोड़ना ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपका शरीर का कोई भी अंग परमानेंटली काम नहीं करेगा, तो उसमें तो आप काम नहीं कर सकते, तब आपको कंपनी छोड़ना ही होगा, तो उस कंडीशन में आपको परमानेंट डिसअमेंट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, समझ गए होगे। उसके बाद यहाँ पे सेशन शॉर्ट या तो फिर शॉर्ट सर्विस भी कहा जाता है, एक काफी कॉमन होता है, इसे सभी लोग सेलेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, उस कंपनी आपने 5 महीना 6 महीना 1 महीना 2 साल 3 साल काम किया तो फिर 10 साल काम किया बिना किसी रीजन का, जैसे कि आप उस कंपनी में एक फिक्स टाइम तक नहीं काम किए, या तो फिर आपका उम्र 58 वर्ष नहीं हुआ, या तो फिर आपका किसी भी प्रकार दुर्घटना वगैरह नहीं हुआ बिना किसी रीजन का, ठीक है, बिना किसी रीजन का उस कंपनी छोड़ रहे हैं, तब दोस्तों यहाँ पे सेशन या तो फिर इसे शॉर्ट सर्विस कहा जाता है, या तो फिर इसे एनी अदर रीजन भी कहा जाता है, इसे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मेरे लिए भी दोस्तों यहाँ पे सुटेबल है एनी अदर रीजन ही, या तो फिर शॉर्ट सर्विस ही सुटेबल, इसे दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कंसेंट देना होगा, कंसेंट दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखने जाता है रिक्वेस्ट ओटीपी, तो दोस्तों आपको रिक्वेस्ट ओटीपी क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास एक पॉपअप विंडो में अलर्ट आ जाता है, और यहाँ पे बोला जाता है कि आपने सभी पॉइंट को केयरफुली पढ़ लिया है, तो जी हाँ यहाँ पे मैं पढ़ लिया हूँ। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जो भी आपके पीएफ अकाउंट आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता है ओटीपी सेंड, यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ चीज देख सकते हैं सक्सेसफुली, प्लीज आर रिक्वेस्ट अगेन इन केस यू हैव नॉट रिसीव, अगर ओटीपी नहीं आता है तो दोस्तों दोबारा से मंगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे केस में यहाँ पर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, तो जो भी दोस्तों ओटीपी आता है यहाँ पर ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे कर आ जाना है, जब नीचे आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कंसेंट दे देना है, कंसेंट दे देने के बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नजर आता होगा सबमिट। ठीक है, उससे पहले दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बता चुका हूँ, तो सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप विंडो में एक अलर्ट आ जाता है, और यहाँ पे बता दिया जाता है कि आप अपने पीएफ अकाउंट डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना चाहते हैं, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट ही मेंशन करना है, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता हो अपडेट, तो दोस्तों आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे सो अपडेट पर क्लिक करते हैं, अपडेट पर क्लिक कर देने बाद फाइनली आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट अपडेट हो जाता है। जैसे सो स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा नजर आता होगा डेट ऑफ एग्जिस्ट अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने बाद फाइनली जो डेट ऑफ एग्जिस्ट आपने अपडेट किया उसका यहाँ पे हिस्ट्री खुलकर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ नजर आता होगा डेट ऑफ एग्जिस्ट सेटिंग हिस्ट्री। ठीक है, उसी के नीचे सबसे पहले आपका मेंबर आईडी, जिस मेंबर आईडी जिस कंपनी में आपने डेट ऑफ एग्जिस्ट अभी मेंशन किया है उसके यहाँ पे नाम मेंबर आईडी शो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जिस्ट यहाँ पे नजर आता होगा, डेट यहाँ पे नजर आ जाता है, उसके बाद ईपीएस में भी आपके पास नजर आ जाता है, एग्जिस्ट रीजन मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट सर्विस नजर आता होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करते समय मेनली दो ही बात आपको ध्यान देना है, सही सही डेट आपको फिलअप करना है, सेलेक्ट करना है,
और सही सही आपको एग्जिट रीजन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। अगर किसी प्रकार डॉट या कंफ्यूजन रहता है कमेंट कीजिए, या तो फिर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वहां पर दोस्तों मैं आपको हेल्प कर दूंगा, सहायता कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दिया सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो रहा है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, सिर्फ वीडियो पाना चाहते हैं, वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी दोस्तों आप लोगों को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।